होता है, फुटबॉलर होता है, बहुत मेहनत से खेलता है, क्लब में खेल रहा होता है ना, तो क्लब में खेलता है तो और अच्छा खिलाड़ी होता है, लेकिन उसका ना कभी भी फाइनल टीम में सिलेक्शन नहीं होता, हमेशा उसको ना एक्स्ट्रा में रखते हैं, हमेशा उसको एक्स्ट्रा में रखते हैं, प्लेयर अच्छा होता है एक्स्ट्रा में रखते हैं हमेशा, फाइनल टीम में सिलेक्शन नहीं मिलता उसको, मतलब खेलने के लिए नहीं बुलाते ग्राउंड में, तो रेगुलर प्रैक्टिस पे आता है वो, एक बार जो है ना 3-4 दिन वो गायब रहता है, आता नहीं है ट्रेनिंग पर, और अचानक वो उस दिन प्रकट होता है अचानक से, जिस दिन जो है टीम के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, टीम के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, और टूर्नामेंट का क्या होता है फाइनल मैच होता है, तो उसका कोच जो होता है वो कहता है कहां थे तुम इतने दिन, आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो वो कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि मुझे टीम में खेलने का मौका दिया जाए, तो वो कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, कोच कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो फाइनल मैच है और हम रिस्क नहीं ले सकते, हम तुम्हारी जगह या हम किसी की जगह तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि टीम में और भी बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, तो हम तुम्हें किसी की जगह नहीं दे सकते, तो बड़ी रिक्वेस्ट करता, हाथ पैर जोड़ता है कि सर आज मुझे बस खेलने का मौका दे दो आप किसी भी तरह से, और नहीं तो फिर मैं इसके बाद अगर आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं खेलना छोड़ दूं, तो वो कहता है कि चलो तुम कह रहे हो इतना तो मैं तुम्हें फाइनल टीम में या खेलने का मौका आज देता हूं, लेकिन ये समझ लो कि ये मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क आज लेने जा रहा हूं, हमारी जो टीम की इज्जत दांव पे है, फाइनल मैच है, तो वो कहता है ठीक है, मैच शुरू होता है और वो प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और उनकी टीम बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाती है फाइनल, और सबसे ज्यादा गोल जब भी उसके पास बॉल आती है उस प्लेयर के पास में, तब वो गोल करता, जब भी उसके पास बॉल आती वो गोल करता, तो जब मैच खत्म हो गया तो उसके पेरेंट और जो कोच था उसने पूछा आज तुमने ऐसा कैसे खेला, तुमने इतना कमाल का कैसे खेला, तो उसने बोला कि सर आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं मैच खेलते हैं, तो कोच ने बोला पिताजी तुम्हारे रोज ही आते थे वहां पर, जब प्रैक्टिस करते थे तो बैठे रहते थे वहां पर, तो उसने कहा हाँ आते जरूर थे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई नहीं कि मेरे पिताजी आते तो थे रोज, लेकिन वो अंधे थे तो कभी मुझे खेलते हुए देख नहीं पाते, मुझे खेलते हुए देख नहीं पाते थे, बस मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वो यहां पे प्रेजेंट रहते थे, अभी 5 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, अब वो ऊपर चले गए, तो अब आज वो पहली बार मुझे खेलते हुए देख रहे थे, तो इसीलिए आज मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है कि आज मेरे पिताजी मुझे पहली बार फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं, दैट वॉज इनर मोटिवेशन, आज मैं क्यों खेल रहा हूं क्योंकि वो देख रहे हैं, दैट वॉज इनर मोटिवेशन, तो जिस दिन ये हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन सब पार है।